हापुड़ में अधिवक्ताओं की हड़ताल रहेगी जारी। नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं हापुड़ हलचल। बृहस्पतिवार रात उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के पदाधिकारियों व प्रशासनिक अधिकारियों के बीच चली वार्ता में आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई पर सहमति बनने के बाद हड़ताल वापस लेने पर सहमति बनी थी, लेकिन हापुड़ बार एसोसिएशन ने फिलहाल हड़ताल जारी रखने की घोषणा की है। आज भी अधिवक्ताओं ने हापुड़ में पैदल मार्च निकालते हुए विरोध प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। दरअसल आपको बता दें कि शुक्रवार को हापुड़ की सड़कें वकील एकता जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। अपनी मांगों के समर्थन में सड़कों पर उतरे अधिवक्ताओं ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हापुड़ की कचहरी रोड पर स्थित कचहरी से अधिवक्ताओं ने पैदल मार्च निकाला, जो तहसील चौराहा, अतरपुरा चौराहा, रेलवे रोड, फ्रीगंज रोड से होते हुए कचहरी पहुंचे और शांतिपूर्वक पैदल मार्च निकाला। मार्च निकाला है क्या है? अभी असल में कल हमारे यहाँ पे एक भ्रांति ये फैलाई गई कि बार काउंसिल के द्वारा, बार काउंसिल उत्तर प्रदेश के द्वारा हमारी हड़ताल खत्म कर दी गई, लेकिन हमने जो बार काउंसिल का आदेश आया था उसका विरोध किया है और विरोध करने के बाद में जितने भी लोग हमारे यहाँ समर्थन में हैं उनको सबको लेकर हमने पैदल मार्च निकाला है। धरना प्रदर्शन हमारा लगातार जारी रहेगा जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं। सरकार ने आपकी पूरी मांगें मांग ली है? सरकार ने हमारे साथ मांगे कोई नहीं मानी है, सरकार हमारे साथ में धोखा कर लिया है। हमारी जो मांगे थी वो ये थी कि जितने भी दोषी पुलिसकर्मी हैं सबका सस्पेंशन हो और सबका ट्रांसफ़र हो। उसमें से इन्होंने खाली एक इंस्पेक्टर का ट्रांसफ़र किया है, उसका सस्पेंशन उसका भी नहीं किया है, तो ये हमारे साथ में सरकार जो है धोखा कर दी है। तो धरना जारी रहेगा? ये धरना जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक लगातार जारी रहेगा। लिखित में आश्वासन मांग रहे हैं सरकार पर, कहीं ना कहीं आश्वासन जो दिया गया है हमें ये ओरली दिया गया है, जब तक हमें लिखित में अब आश्वासन नहीं चाहिए हमें, ना लिखित में ना मौखिक, हमें जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे, आप पर की लड़ाई लड़ेंगे। हापुड़ बार एसोसिएशन के सचिव नरेंद्र शर्मा का कहना है कि हापुड़ कोतवाली प्रभारी निरीक्षक व अन्य पुलिसकर्मियों के तबादले से वह नाखुश है। अधिवक्ताओं की मांग है कि सभी दोषी पुलिसकर्मियों का तबादला हो, साथ ही उनका सस्पेंशन भी किया जाए। मात्र स्थानांतरण होने से वे नाखुश हैं और सस्पेंड होने तक अधिवक्ताओं का धरना प्रदर्शन जारी रखने का उन्होंने आह्वान किया है। हापुड़ में प्रदर्शन कर वापस लौट रहे वकीलों पर 29 अगस्त को पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। इसके बाद अधिवक्ताओं ने आंदोलन शुरू किया और वह आंदोलन आज भी जारी है। इस दौरान हापुड़ बार को अन्य जिलों व राज्यों ने भी खुलकर समर्थन दिया। हापुड़ में सैकड़ों की संख्या में अधिवक्ता सड़कों पर उतरे और पुलिस प्रशासन को जी भरकर कोसा। हाथों में तख्ती लिए अधिवक्ता पैदल मार्च निकाल रहे थे, जिनकी मांग है कि जल्द से जल्द दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, अधिवक्ताओं के खिलाफ दर्ज मुकदमे को निरस्त किया जाए और दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा कायम हो। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हापुड़ हलचल।